इंडिया बनाम बांग्लादेश का दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, जिसमें भारत की प्लेइंग 11 आ चुकी है और सूर्य कुमार ने बयान दे दिया है। बोले हैं कि मुझे हर मैच में 300 रन का टारगेट चाहिए। जिस बयान इसलिए बोला है क्योंकि भाई भारतीय टीम जितनी ज़्यादा कोशिश करेगी उतना ऊंचा टारगेट खड़ा कर पाएगी, लेकिन इस मैच में जब बांग्लादेश को बचना है तो टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है तो ठीक है, नहीं यदि भारत ने टॉस जीत लिया और पहली बल्लेबाजी कर ली तो जी का नाम हासिल करके भी दिखा सकती है भारतीय टीम। लेकिन इससे पहले मैं भारत की प्लेइंग 11 बता देता हूँ। भारत की प्लेइंग 11 में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं, सूर्य कुमार यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या से पहले रिंकू सिंह को भी भेजा जा सकता है यदि मैच इसको थोड़ा सा जल्दी विकेट गिर जाते हैं या फिर कैसे भी। और इसके बाद भाई वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और वरुण चक्रवर्ती, हर्षदीप सिंह, मयंक यादव जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं। लेकिन भाई एक और बात बता दूं, भारतीय महिलाएं फंस चुकी हैं इस मैच को, जो श्रीलंका से मैच खेला जाएगा आज T20 का। इसको कम से कम 15 ओवरों में जीतना होगा और 9 या 10 विकेट से जीतना होगा जब भारतीय टीम का रन रेट सुधर पाएगा, तभी पहुंच सकती है भारतीय टीम। चूँकि न्यूजीलैंड की टीम अब एक भी मैच हारने वाली नहीं है, ना ही तो पाकिस्तान से हारेगी और ना ही वो मैच श्रीलंका से हारने वाली है, क्योंकि अब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगी। फिर चलिए मैं बता देता हूं, और भाई हार्दिक पांड्या ने अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक बार छक्का लगा करके मैच को फिनिश किया है 5 बार। दूसरे नंबर पर है विराट कोहली जिन्होंने 4 बार किया है। MS धोनी तीसरे नंबर पर, ऋषभ पंत ने भी 3-3 छक्के लगाए हैं। और इसके बाद मैं बताऊं भाई कि इधर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए लगातार बयान आ रहे हैं। और मैं बता दूं भाई कि इधर जो है लगातार बयान दिए हैं कि भारतीय टीम को हराने वाली है ऑस्ट्रेलिया की टीम, ये लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन भाई जब मयंक यादव की इतनी स्पीड से जहाँ पर 150 की निकल रही है तो वहाँ पर जाकर 161 के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है भारतीय टीम। और भाई इधर 5-5 ओवर का हांगकांग में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सभी टीमें खेलती हुई नजर आएंगी, ये नहीं छोटी टीमें, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की टीम और भी वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका की टीम। और भाई इंडिया के लेफ्ट हैंडरों की टीम देखी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टीम बन जाती है, जिसमें अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, सुरेश रैना, युवराज सिंह और ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, इरफान पठान और भाई जेंटलमैन जही और अर्शदीप सिंह हैं, ये जो इतनी खतरनाक टीम बन जाती है कि काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद मैं बताऊं कि भाई इधर रोहित शर्मा ने बयान दे दिया है कि भाई अब मैंने तो कप्तानी छोड़ दी, लेकिन मैं अब T20 की तो छोड़ दी, मैंने कप्तानी ODI और टेस्ट मैच को जीतना चाहूँगा हर हालत में। इधर भाई पाकिस्तान की टीम भी सदमे में पहुंच चुकी है, इंग्लैंड की विकेट नहीं गिर रही है, क्योंकि 96 रन हो गए 1 विकेट के नुकसान पर और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से खेल रही है इंग्लैंड की टीम। 20 ओवर हम कर दिए हैं और ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान की टीम ने पिच नहीं रोड बना के रखा है, और क्योंकि भाई ये टीम कुछ जो विकेट गिर ही नहीं रहे हैं, बॉलर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ गए हैं पाकिस्तान के भी और इंग्लैंड के भी, और ये मैच ड्रॉ होना पक्का तय हो चुका है। और एक और बात मैं बताऊं कि भाई इधर 2 छक्के अभी तक के इतिहास में देखा जाए सबसे कम छक्के जसप्रीत बुमराह पर लगे हैं, टेस्ट में 2 छक्के लगा पाई है कोई भी टीम, और इसमें भाई सबसे अधिक छक्के लगे हैं पैट कमिंस पर 30 छक्के। इसके बाद आते हैं भाई, इसके बाद टीम सऊदी पे 29 छक्के, टीम सऊदी के बाद आते हैं नसीम साहब है 25 छक्के और 22 छक्के लगे मिचेल स्टार्क पर, जे T20 के टेस्ट के इतिहास की बात चल रही है। और इसके बाद मैं बताऊं कि भाई इधर न्यूजीलैंड के दौरे के लिए भी भारतीय टीम घोषित कर दी गई है, जिसमें जो बांग्लादेश के खिलाफ टीम खेलेगी वही टीम है। और भाई बता दूं मैं T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले यजमेंद्र चहल हैं, जिन्होंने 80 मैचों में 96 विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 87 मैचों में 90 विकेट लिए हैं। इधर जसप्रीत बुमराह ने 70 मैचों में 89 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या ने 87 विकेट लिए हैं 103 मैच में। हर्षदीप सिंह ने भी भाई 86 विकेट लिए हैं, कमाल की गेंदबाजी की है मात्र 55 मैचों में ही। इधर इंग्लैंड की बात की जाती है, इंग्लैंड की टीम भाई ODI और T20 के लिए घोषित कर दी गई है वेस्ट इंडीज के लिए, जिसमें भाई जोश बटलर को कप्तान बनाया गया है और इनके साथ जोफ्रा आर्चर हैं और जैक बैथिल हैं, जाफर चौहान हैं, सैम करन, बिल जैक्स, लियाम लिविंगस्टन, साकिब महमूद और डैन मुसली और जेमी ओस्टन और आदिल राशिद और फिलसाल्ट, रिस टॉपली और जोन टर्नर हैं। लेकिन इसके बाद मैं बताऊं कि भारतीय टीम जिस हिसाब से खतरनाक रूप से बैटिंग कर रही है T20 में, उस हिसाब से तो भाई बांग्लादेश की पेंट गिली हो जाएगी इतनी खतरनाक।